दोस्तों, ये हमारा YouTube चैनल सुखराज मशीनरी, नानकना मशीनरी, अनमोल मशीनरी, गुरकृत मशीनरी में आपका स्वागत है। आपको ये हम एक नया बिजनेस स्क्रू मेकिंग मशीन जो है, जिप्सन स्क्रू, जो POP में लगते हैं, POP में और बहुत सारे लकड़ी में, हर घर में स्क्रू की ज़रूरत होती है। जो POP प्लस वाला स्क्रू है, जिप्सन स्क्रू जिसको बोलते हैं, वो उसकी बहुत डिमांड है आजकल। उसके लिए जी एक मशीन, ये हेडर मशीन लगता है, और एक ये रोल थ्रेड लगेगी, और एक ये पॉलिशिंग ड्रम लगेगी, और एक ग्राइंडर मशीन लगेगी। चार मशीन का सेटअप है ये दोस्तों, जो बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें ये जो स्क्रू है, ये वाला, ये देखिए, ये प्लस वाला स्क्रू है, प्लस वाला भी बन जाता है, इसमें माइनस वाला भी बन जाता है, कोई मशीन स्क्रू बनाना वो भी बन जाता है। मतलब जैसी भी इसमें डाई लगाओगे, इस मशीन में जैसी डाई लगाओगे वैसी चूड़ी बन जाती है। जैसी डाई लगाओगे, मशीन स्क्रू की बना लो या कुछ भी, डाई चेंज करके जैसा मर्जी हेड बना सकते हो, जैसी मर्जी चूड़ी डाल सकते हो। ये स्क्रू मेकिंग वाला अच्छा खासा बढ़िया प्लांट है। इसमें वायर ही लेना है बस, वायर जितनी वायर लेते हो उतना ही स्क्रू बन जाता है। इसमें वेस्ट कोई नहीं निकलती, वेस्ट कोई स्क्रैप नहीं कुछ होता। जितनी किलो वायर लिया उतना किलो ही स्क्रू बन जाएगा आपका। आपने इधर से वायर लगाना है, वायर स्टैंड में लगा रोल, इधर से वायर लगा, अपने आप स्क्रू बन बन के ऐसे नीचे गिरते जाएंगे। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, एक बार रोल लगा दिया अपने के स्क्रू बनते जाएंगे। स्क्रू बनने के बाद जब स्क्रू बन गया, इसमें फिर उसमें इकट्ठा करके स्क्रू एक बाल्टा भर के, एक डब्बा भर के इसमें डालना है। इसमें ये वाइब्रेटर सिस्टम है, ये लेटेस्ट तकनीक है। इसमें वाइब्रेटर सिस्टम है, इसमें स्विच लगाइए, ये स्विच ऑन करोगे वाइब्रेटर ऑन हो जाता है। इसमें ऑटोमेटिक इधर से आके घूम के ऐसे स्क्रू इधर आके, इधर सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, आदमी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंसर सिस्टम लगा है। इसमें जब पूरी लाइन भर जाएगी, ऑटो ऑटो कट हो जाएगा जी, ऑटो कट भी हो जाता है। इसमें ऑटोमेटिक इधर से आते जाएंगे, अपने आप इधर से चूड़ी डल डल के अपने आप इधर जाते जाएंगे। इधर वाटर कूलर भी है, इसमें वाटर वाटर भी पंप लगा हुआ है जी। ये इधर वाटर जो पंप है, इसमें पानी जो चलेगा कटिंग ऑयल डाल के, वो गर्म नहीं होने देगा स्क्रू को, ऐसे मतलब आएगा ऐसे। इसमें चूड़ी डल जाएगी, चूड़ी डलेगी, पानी नीचे चल जाएगा, इसमें इधर स्क्रू रह जाएंगे। स्क्रू मुड़ के जो है इसमें ब्लैक कर सकते हो, बाद में ब्लैक का जो भी है वो कर सकते हो। जब हेडर में पहले हेड बन जाना है, फिर इसको जो थोड़ा ऑयल लगा रहता है तार में, फिर उसमें पॉलिशिंग ड्रम में डाल के पहले पॉलिश कर लेते हैं, ऑयल उतर जाता है, उसमें लकड़ी का बुरादा पड़ता है, लकड़ी का बुरादा डाल के उसमें जो है वो पॉलिशिंग हो जाता है। पॉलिश हो गया, फिर इसमें चूड़ी डाल जानी है, चूड़ी डाल गई, और एक ग्राइंडर मशीन होती है, ग्राइंडर होती है किसका, को टूल का धार लगाने के लिए, जहाँ को डाई सेट करने के लिए थोड़ा कहीं उसको कट करना पड़ता है, वी शेप देनी पड़ती है, जहाँ को उसके टूल की जो कितने डिग्री पे एंगल जो तार काटता है उसको कितने डिग्री पे धार लगाना है, वो ग्राइंडर मशीन इसी काम में आती है। चार मशीन का सेटअप जो है वो लगाओ, और अच्छा खासा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट इसमें। और इसके जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है इसका। इसमें WHP वायर लगती है, वायर तकरीबन 60 रुपये किलो आती है इसकी, और 150 रुपये किलो बन के वायर जो स्क्रू है आपका, उस होलसेल में सेल हो जाता है। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप एक हेडर, दो हेडर या तीन हेडर भी लगा सकते हो। जितने भी हेडर ज़्यादा लगा लोगे उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगी आपकी, जितनी वो आदमी लेबर उतनी लगनी है आपकी। लेबर एक आदमी लगना है इसमें, स्किल्ड आदमी बस, एक आदमी दो तीन हेडर भी चला सकता है, एक नाल हेल्पर चाहिए बस। बस दो आदमी से अच्छा खासा बिजनेस जो है आप चला सकते हो। थोड़ी जगह में, ये देखो दोस्तों, को ज़्यादा जगह नहीं लगती, एक रूम में ही ये मशीनें लग जाती है, एक रूम ही। इसके साथ जैसे एक पॉलिथिन ड्रम ग्राइंडर भी है, और इसके साथ एक किल वाली मशीन भी ले सकते हो। किल वाली मशीन 3 इंची या 4 इंची वाली ले लोगे तो उसमें ये होता है कि मतलब 4 इंची वाली मशीन ले लिया, आपका पॉलिथिन ड्रम ग्राइंडर वही काम आए ना, वही लेबर ने, आपके आदमी ने, किल भी साथ में बनता जाएगा, वो भी साथ में एक मशीन या दो मशीन लगा सकते हो। ये दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे वीडियो देखने का मतलब देखते रहा करो। आपको हमारी वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो जो भी है शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखा करो, क्योंकि तो उसमें हर जो भी नॉलेज है पूरी मिलती रहती है। हम मशीन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, उसकी सेल कैसे होना है, सारा कुछ आपको जानकारी देते रहते हैं।
दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।